महाभारत में गंगा को भी भूधर कहा गया है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, यह दार्शनिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव तिथि के अनुसार समुद्र पर पड़ता है, और जब समुद्र पर तिथि का प्रभाव पड़ जाता है तो भूकंप का भी उन तिथियों से योग हो जाता है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, तो चंद्रमा जल को प्रभावित करते हैं और जो जल है वो पृथ्वी को प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी का उद्गम स्थान उपादान कारण जल है। तो भूकंप को लेकर जो अब तक का अनुसंधान यह कहता है कि जिन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की प्राप्ति होती है, और जिन तिथियों में ज्वार भाटे को लेकर समुद्र प्रभावित होता है, उन तिथियों में भूकंप का योग होता है। इस प्रकार से तिथि के साथ चंद्रमा का संबंध है, क्योंकि काल जो है, काल की सिद्धि चंद्रमा से होती है, काल की सिद्धि सूर्य से होती है, काल की सिद्धि महाभारत आदि के अनुसार अग्नि से भी होती है। ये जितने तेजस पदार्थ हैं, प्रकाश युक्त हैं, प्रभाव युक्त हैं, ये सब के सब काल की गणना में उपयोगी होते हैं। तो समुद्र जब प्रभावित होता है सूर्य और चंद्र से, तब भूकंप का योग लगता है। इसीलिए तिथि के साथ भूकंप का योग बन जाता है, और जल पर प्रभाव सूर्य चंद्र का तिथि के हिसाब से होता है। इस प्रकार से दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में भूकंप को लेकर भी एकत्व है। रह गई बात कि किस काल में, माने कब और कहाँ, किस देश में, इसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि समुद्र, पर्वत, माने जल और पर्वत और वन, इन तीनों को हमारे शास्त्रों में भूधर कहा गया है, पृथ्वी को धारण करने वाले। तीनों में जब कहीं पर्वत में विकृति आ गई, क्योंकि पर्वत को तोड़ दिया गया उत्तराखंड में, तो पर्वत को तोड़ देने से वहाँ की भूमि का संतुलन बिगड़ गया, कहीं वन को काट दिया गया, कहीं जल को दूषित कर दिया गया, तो जहाँ पर्वत भी हों, वन भी हों और जलाशय भी हो, और इन तीनों को क्षुब्ध या विकृत किया जाए, वो क्षेत्र भूकंप से अधिक प्रभावित होगा। जापान जो भूकंप से अधिक प्रभावित होता है, वो देश विशेष है ना, वो क्यों प्रभावित होता है इस पर विचार करेंगे, तो पर्वत को लेकर, वन को लेकर और जल को लेकर, ये सब भूकंप में हेतु हैं। पर्वत में विकृति, जल में विकृति होने पर, या वन में विकृति होने पर, या वो क्षेत्र जो जल से आप्लावित है, वहाँ पर भूकंप का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो काल का भी प्रभाव पड़ता है, काल की गणना सूर्य के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर, इसलिए सूर्य चंद्र काल को प्रभावित करते हैं। काल का ही एक अवयव तिथि भी है, तिथि के अनुसार फिर पृथ्वी प्रभावित होती है।